यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष केपी राणा ने जालंधर में छात्रों को डिग्रियां वितरित की। इस दौरान केपी राणा ने छात्रों से देश की तरक्की में योगदान देने की अपील की। पंजाब विधानसभा के स्पीकर केपी राणा ने कॉलेज के विद्यार्थियों को डिग्री देकर सम्मानित किया है। केपी राणा ने युवाओं को सम्मानित कर ये कहा है कि देश के युवाओं से यही अपील है कि वो देश को और आगे ले जाएं ताकि देश तरक्की के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि पिछली पीढ़ी ने हमें आज़ादी दिलाई और हमारी पीढ़ी ने देश को आगे ले जाने का काम किया है, इसलिए युवाओं को देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। वड़े वड़े देश भगत लाला लाजपत राय वर्गे वतन प्रस्त लोग पैदा हुए, जिन्होंने आजादी लई लड़ मर मिटन वाले लोगों नूं आजादी की मूवमेंट नूं एक नवा हुलारा दिता और जिहड़ी कामयाबी 1947 च देखण नूं मिली। सो मुल्क की आजादी तो पहला जिथे विद्या के प्रचार और प्रसार विच डीएवी इंस्टीट्यूशन ने बड़ा योगदान पाया, उथे मुल्क की आजादी लई जिहड़ी मूवमेंट सी उहदे विच भी डीएवी इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा हथ रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। जब तक अपने आप नूं नहीं बदलांगे उदों तक जमाना कैसे बदल सकता है? ते जे जमाना बदलना है, मैं पहला भी कह के हटिया कि बदलेगा तू तो बदलेगा जमाना। दरअसल जालंधर के डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह में पहुंचे केपी राणा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इसी दौरान पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष केपी राणा ने बीटेक एमटेक के विद्यार्थियों को सम्मानित किया है और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।